अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह वालेकुम शुक्र है अल्लाह का। जी, फाइनली बिलाखिर आई ब्रोक द आइस। जी बड़ी खुशी हुई आपको देख के। फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं। कमेंट्स तो आपके हमने देखे हैं जगह जगह, और हमें भी किए हैं आपने। और आई थिंक आप जो हैं वो साजिद जो हैं उनके भाई हैं, है ना? जी, मुझे जमीन जो है ना वो सबसे छोटे हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ। तो अच्छा दो भाई अच्छा और भी बड़े हैं, तो आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ, घसीट के लाया गया हूँ। अच्छा मजबूर लाए गए हैं घसीट के? क्या मतलब, किसने आपको? करके उन्होंने मुझे भेजा है कि उनको जो है ना मेरी खामोशी, पर्दे के पीछे बैठना। और उधर देखे, कमेंट्स का सबको राइट होता है, कमेंट्स तो हर बंदा कर सकता है, इस पे तो किसी का कोई जी नहीं है, और ये इलीगल काम भी नहीं है। कमेंट्स मैंने दिए जहां भी मुझे लगता था कि चीजें जो है ना ये एक्सपोज नहीं, एक्सपोज से मुराद आई मीन के छुपा रहे हैं, सच्चाई को छुपा रहे हैं, ठीक है ना। तो जी वहां पर और असल जो मेरा आने का मकसद है वो ये है कि क्योंकि इनकी वजह से मेरी फैमिली को गालियां पड़ी सही से, सही और हमें जो है ना इलाके में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता, हम निकलने के काबिल सही नहीं है। कल को हमने साफ बात है बच्चों के रिश्ते करने हैं, शादियां करनी है, तो क्या कहेंगे किस तरह की फैमिली है। ऐसा ऐसी खिचड़ी बना दी और ऐसे कीचड़ के अंदर हमें डाल दिया कि बस मैं आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड कुछ चीज, बस मैं क्या कहूँ। बस आने पे इन्होंने मुझे मजबूर किया। फिर उसके बाद कल जो है ना, कल कुछ उनके साथ बातें हुई, मेरे असल में इनके साथ कुछ मुतालबात चल रहे थे। मुतालबात ये थे जस्ट कि आप खुद आओ, खुद आके रियलिटी बताओ कि रियलिटी क्या है। मैं पीछे हट जाऊंगा, कोई मेरे कमेंट्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जस्ट 30 सेकेंड्स की आपने एक वीडियो डाल दी है, उसमें जस्ट आकर जी आपने ये बताना कि ये सारा कसूर था, इस फैमिली का, खानदान का कोई कसूर नहीं, ठीक है ना। सही लेकिन उन्होंने मेरे वो मुतालबात कल रात तक तस्लीम नहीं किया। और ये जब से इन्होंने ये ड्रामा रचाया है, तब से मैं ये उनको कह रहा हूं, अब कितनी देर बंदा जो है ना वो खामोश रह सकता है, ठीक जी नहीं तो है ना। तो आपको ये तो वो चीज, बदनाम कर रहे हैं, वो तो सबके सामने है, वहां पर बैठ के किस तरह से। अच्छा, शुएब भाई, अब आप मैं मुझे मुझे बदनाम कर रहे हैं, मुझे बदनाम यूं कह कर रहे रहे हैं कि हैं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपका ही नाम लिया जा जी रहा है। आज भी जो आपके भाई की वीडियो आई है उसमें आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आपकी आवाज बस थोड़ी सी कटी थी, जी जी लेकिन मुझे आइडिया हो गया कि आप वीडियो की बात कर रहे हैं। जी, जी आज जो वीडियो आई है, उसमें उन्होंने मुझे सही से गाली, मेरा छोटा भाई है, उसमें उन्होंने मुझे सही से जी गालियां दी हैं। लेकिन लेकिन मैं ये कहता हूं कि इन मियाँ और बीवी की इतनी तालीम नहीं है, इन दोनों की मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी है, तो मैं इनको गाली का जवाब गाली से तो नहीं दूंगा कि वो मुझे गाली दें और मैं आगे सही आकर मैं जो उनको गाली दूं, नहीं, मैं उसूल की बात करूंगा, सच्ची बात करूंगा और पक्की बात करूंगा, कन्फर्म बात करूंगा, ठीक सही। है। अगर अच्छा, कुरान जी, वो कुरान हाँ जी तो ठीक बीच में। है ना, वो हाँ बात। और इसी बेस पे मैंने उनको चैलेंज दिया है, आज मैंने साजिद को चैलेंज दिया है, ठीक है ना। और मैंने उसे कहा है, जितने आपके यूट्यूबर्स हैं, जितने हमारी फैमिली के हैं, जी आप सबको जी लेकर आओ, सबको लेकर आओ, ठीक है ना। कोई ऐसा जी बंदा ना हो जो रह जाए। फिर बाद में यह ना कहना कि मुझे बताया नहीं था, आया चोरी चोरी से जो है ना अपने कमेंट्स देकर, तो उधर से जो है ना चोरों की तरह जी मफरूर हो गया। नहीं, मैंने कहा जी अच्छा मैंने भी अगर बुलाया, अगर मैंने टैग भी किया है, मैंने बुलाया भी है, मैंने टैग भी किया है। जी, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो प्रूफ हैं और जो मेरे पास जो चीजें हैं, अगर वो आएंगे तो फिर वो कीचड़ से निकल कर दलदल में फंसेंगे। तो जी बहरहाल, एनीवे, मैंने तो उनको इनवाइट कर दिया है, आपने भी इनवाइट कर दिया है, अब वो सुन भी रहे होंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। तो जी मैं अभी भी कहता हूँ, अभी भी अगर उनके अंदर आने की जरूरत है, आए, क्वेश्चन करें, सवाल करें, मैं उनको, आप सबके सामने, आज तो दुनिया देख रही है ना, दुनिया देख रही है, जी मैं सही से इनको जवाब दूंगा। और जेलसी जी जेलसी जेलसी की बात करते हैं बार 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 बार, और मैं इनको एक ही जवाब देता हूँ। अरे भाई, आप लोगों ने जिस बंदे से अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, वो मेरा क्या लगता था, उस बंदे को तो आप गालियां देते थे, उसके बारे में आप लोगों के क्या सही कमेंट थे, क्यों गालियां देते थे उसको, बेचारे को ऐसे खाम खामे, उस बंदे का कोई कसूर भी नहीं था, जस्ट उसके ऊपर, अच्छा बस ऐसे ही अपनी तरफ से कोई एक दो चीजें थी ये प्रॉपर्टी जो अभी पीछे घर वगैरह खरीदा जो इन्होंने। जो भावलपुर के अंदर, सिटी के अंदर घर खरीदा है, अल्लाह करे कि इनको 10 घर और मिले। खरीदा है ना, इन्होंने खरीदा है ना, जो हम बात कर रहे थे कि इन्होंने घर खरीदा है, एक पहले ही बता दिया था इन्हें। आप जी बताएं ना बताएं, मैं खुद बता देता हूं कि
इन्होंने बहावलपुर सिटी के अंदर घर खरीदा है, ठीक है ना। अल्लाह करे इस कितने जैसे का? इनको इनको आपके दोस्त ने ये खरीद के दिया है, आपको अमाउंट भी पता होगी। 1.5 करोड़ का। देखा, एग्जैक्ट 1 करोड़ 5 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 5 लाख का माशाल्लाह घर खरे खरीदा है। अच्छा, घर जी खरीदा कब है? कितना अर्थ हो गया वैसे इसको? हो गए कोई 4-5-6 महीने ऐसे तकरीबन, महीनों में है। अब कोई इतना कोई ज्यादा लंबी बात अच्छा, तो नहीं चार है। पांच महीने हो गए हैं। ये देखे यार जाए कि छोड़े तुम इस बात। मतलब नहीं, मेरा थोड़ा कहने का खुश ये रखते मकसद हो। था कि ये रोते हैं ना आके कि बच्चों को जी पढ़ाने के पैसे नहीं है, घर में स्कीम के पैसे नहीं है। मैं रोते हैं, अगर इन्होंने करोड़ करोड़ से ऊपर का घर खरीद लिया है तो लोगों को ये क्या दिखा रहे हैं? रोना क्या दिखा रहे हैं, किस चीज का? अच्छा चले, आगे चलते हैं। देख, ये इन पे डिपेंड करता है, वो उनके जो उनकी ऐसी पर्सनल चीज है जैसे कि हमारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचता ना, वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, और ना चलो, इस उनको उससे एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। मैं जस्ट टू द पॉइंट उसी चीज पे आऊंगा जो जिस चीज की वजह से हमारी फैमिली को गालियां पड़ी और हमें जो है ना चोरों की तरह मुंह छुपा के जो है ना भागना पड़ता है, किसी बंदे को हम फेस नहीं कर सकते। जी, सही, ठीक है। शादी जो है वो आप लोगों ने करवाई थी साजिद की, क्योंकि परसों भी रोना हुआ था कि आप मेरे ससुराल वालों ने शादी हाँ, करवाई है, वो और पूरी अपनी दुनिया शादी चाहिए करवा रोने रहे के हैं। लिए। दो करवा ली है, लेकिन इनको फर्क, इनको अभी भी सुकून नहीं, चैन नहीं आ रहा। आप तीसरी करवा दें। सितारा, ठीक है, कुरान जी। ठीक, ठीक है ना, सितारा ने मेरी खाला को खुद कहा कि आप जो है ना शादी करवाएं इसकी साजिद की, ठीक सही, है ना, इसने कहा कि आप इसकी शादी करवाएं। तो खाला मेरी जो है इनको मना करती रही, सितारा को मना करती रही, देख लो आप, देख लो, ठीक है ना, आगे फिर यानी आपने जिंदगी गुजारनी है, आपका हस्बैंड है, कौन ऐसे कहता है, कौन क्यों, आप किस बेस पे कर रही हो? कहती है बस हमने एग्री कर लिया है, बस आप जो है ना इसकी शादी करवा। क्यों किसी एक बंदे को इसने नहीं कहा कि भाई ये शादी कर रहा है, आप जो है ना इसको रोको। किसी एक बंदे को तो कहती, इवन मुझे कहती शाहिद भाई है बड़े, ठीक है ना, उनको कहती, जाहिद भाई को कहती, किसी को बोलती, किसी एक बंदे को, सही, इवन अपने पेरेंट्स तक को इसने नहीं कहा कि ये शादी कर रहा है इसको रोको। इवन इवन ये कह रही है कि इसकी शादी करवाओ, शादी तो करवाओ, खुद 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 कह खुद रही है से कि शादी करवानी है मैंने, और जब करवाई बैठो। आपके पास, आप किसी के पास नहीं गई कि ये क्यों? वो तो कह रही थी कि मैं, वो उसने बताए बगैर करके आ गया और मुझे पता भी नहीं चला, और उसके बाद फिर वो, यानी कि वो कह रही मुझे पता ही नहीं था। आप तो कह रहे हैं ना कि उसने खुद करवाई है, लेकिन वो कहती थी, अभी भी कहती है कि जी, मेरा, मुझे पता ही नहीं था मेरे ससुराल वालों ने करवाई है, मुझे तो पता और ही नहीं था। 13 साल की मोहब्बत, और 13 साल पेशराइज की भी किया मोहब्बत, है, पेशराइज और किया तेरह है साल साजिद की के तेरह कितने तेरह का? साल की तेरह लव साल की स्टोरी मोहब्बत है, थी 13 ईयर्स ऑफ वो, सब मैरिज। जिसके साथ दूसरी शादी हुई है, वो 13 साल की मोहब्बत थी, इसलिए इन्होंने मुझे पूछे बगैर जाकर छुप के निकाह करके आ गए, मेरे ससुराल वाले करवाए और वो करवाया भी आप लोगों ने, जो आप बोल रहे भी। हैं, आप जो तो आप बोल देखो रहे हैं, जो इनकी चूड़ियों से जल रहे हैं ना, चूड़ियों से, आपसे जी, बर्दाश्त नहीं हो रही चूड़ियों से। और परसों जो है वो बोलिए कि तीसरी भी करा दो। हाँ, देखें, एक नंबर चूड़ियां बोल। देखें 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 देखें, मेरी कलाइयां खाली हैं, इनमें वो चूड़ियां होनी चाहिए थी, मुझे इसलिए जलती हो रही है, ठीक सही, है ना। असल तो मैं जलती की उस वक्त बात कर रहा था तो बात कहीं से कहीं चली गई, तो उसी बंदे को जैसे में मैं खिचड़ी इतनी कहूँ ज्यादा है ना, वो खिचड़ी इतनी ज्यादा है कि कोई चीज किसी के साथ होती नहीं है ना, पूरी मैच ही नहीं होती। कोई किधर की कहाँ निकल जाती है, किधर की कहाँ निकल रही है। अच्छा चले, बाहर जी, आप जो अच्छा तो मैं आपको बता रहा था आप खुद अपनी तो, मर्जी से बताना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से, जो जो जी आपको लगता है कि आप उस, आपको जवाब देना चाहिए, नहीं आप अपनी मर्जी से बताओ। ठीक मैं मर्जी से भी बताने नहीं आया, मर्जी से बताने वो आते हैं जो दिल की भड़ास जो है ना बस अपनी उसके जहन में हो, और वो जो है ना बस थोड़ी सी चीजें उसको पता हो और वो भाग जाए। नहीं, मैं क्वेश्चन और आंसर के लिए यहाँ पर आया हूँ, सही, ठीक है, थैंक यू, यही यही उम्मीद थी क्वेश्चन आपसे। जी। अच्छा, क्योंकि देखें देखें, इंडिया इंडिया में हमारे भाई हैं, इंडिया में हमारे भाई हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान में है, इवन पता नहीं कहाँ पर, दुबई में कहाँ पर, कहाँ कहाँ से चल रहा है, कौन कौन बंदा देख रहा है, ठीक है ना, सब मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं यार, ओके। अच्छा, तो सही, अब जेलसी फैक्टर को मैं मुझे पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरा जो वो दोस्त है, ठीक है ना, 16-17-18 साल पुरानी हमारी दोस्ती है, तो उसको इन्होंने कहा कि हमें ये चाहिए, मकान चाहिए, हमने लेना है। तो उसने मुझे कहा कि खालिद यार, आपकी तो इनके साथ जो है ना ये चल रही है, कुछ चीजें हैं जो आपके मुतालबात हैं इनके साथ, तो अब आप मुझे क्या कहेंगे कि मैं इनको मकान दिलवाऊं या ना दिलवाऊं? मैंने कहा आपने इनके साथ सही कोऑपरेट करना है, ये जहां चाहते हैं बहावलपुर के जिस एरिया में ये चाहते हैं आप इनको दिलवाओ, और ऐसे कोऑपरेट करना है जैसे आप मेरे साथ करते हो। तो उसने कहा ठीक है, सही, गए, उसने सारे ऑप्शन दिखाए। इन्होंने कहा कि हमने जो है ना यहाँ पर लेना है जहां पर ये खालिद का घर है, किराए पर रह रहा है, इसी के साथ में लेना है और इसी टाउन में लेना है। अच्छा, फिर उसने मुझे कहा कि यार ये तो बिल्कुल आपके साथ, मैंने कहा मुझे इस पर कोई इशू नहीं है, वो सारा टाउन मेरा नहीं है, ये मेरे हमदीवार भी अगर बनेंगे तो मुझे इससे भी कोई इशू नहीं है। मैंने कहा दुनिया में, दुनिया की मुझे कोई किसी चीज से, इनसे रिलेटेड जो भी है किसी चीज से कोई इशू नहीं है, इनकी औलाद है, ठीक है ना, वो मेरे घर आती है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है, मुझे जस्ट 2% से है कि ये आए सच बताएं, सच बताने के बाद भी मेरी आंसर खुला होगी। और करते 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 इतना अरसा हो गया, इनको अभी तक सच बताने की हिम्मत नहीं हुई, और ऊपर से कहा कि इससे हमारे चैनल का नुकसान है अगर हमने सच बता दिया। तो इसका और मतलब सच ये क्या, है कि कौन सा आप, सच बताए वो? मैं आता हूँ, मैं उस तरफ आता हूँ, ठीक है ना। ये पहले जेलसी फैक्टर को, एक और चीज है वो मैं क्लियर कर लूँ,
और इसी जेलसी में वहां पर इन्होंने प्लाट भी लिया और उसमें भी हम रुकावट नहीं बने, और वही मेरा दोस्त जो है ना मुझसे पूछ पूछ के कदम रख रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि गो अहेड, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अब लास्ट पे आ गए, अब उन्हीं के किरायादार, साफ बात है किरायादार आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वो कहाँ आ रहे हैं, मेरे घर पे आ रहे हैं, वहां पर उनका खाना पीना बैठना सारा कुछ मेरे घर हो रहा है, सारी डील वील वहीं पर चल रही है। वेयर इज जेलसी, माई क्वेश्चन टू दैम, वेयर इज किराएदार जेलसी। वही जो घर लिया है उसको किराए पे दे रहे हैं, उसको किराए पर दे दिया है इन्होंने और वो सारे आए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज से इनके और डील ना तो आपके हमें घर हो रही है, कुछ वो आपके घर आ रहे हैं और ये आपको कह रहे हैं कि यहाँ आपसे जेलस है, आप इनसे जेलस मिले, हाँ, ना तो हमें जेलसी है, ना तो हमें दुश्मनी है, ठीक है ना। हम सही हैं। सेंस से कॉपरेट कर रहे हैं। इवन इवन देखें देखें देखें, आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में इसने मुझे कितनी गालियां दी हैं, लेकिन फिर भी अभी ये सबके सामने मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि कल भी इनको किसी चीज की वहां पर जरूरत पड़े, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड वहां पर कोई चाहिए हो, ठीक है ना, मुझसे जो सपोर्ट हो सकेगी मैं सबके सामने सपोर्ट करूंगा। गाली का जवाब गाली से देना मुझे नहीं आता, मैं शेयर बंदा हूँ। सही, ये तो आपका जर्फ है ना, ये आपका जर्फ है, आपने बताया कि आपका क्या जर्फ है, वो जिसके पास कोई जवाब नहीं होता ना वो फिर गाली पे आता है, जिसके पास कोई कोई बात बस नहीं रह जाती ना वो फिर लड़ाई शुरू कर देता है, दुनिया को वो समझ लड़के कहता है कि गई बस मैं सकता हूँ, वो शोर मचाना शुरू कर देता है जिस तरह से इन्होंने ये कर रहे हैं। दुनिया को समझ आ गई है ना जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अच्छा, मेरी आवाज़ को थोड़ा सी अवॉइड करना क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है। तो ये वॉइस के ऊपर बात कर लेते हैं, ये लाइफ के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोगों को इस लाइफ के लिए मैंने पहले भी बताई थी, तो मैंने सोची क्यों ना इस लाइफ को पब्लिक किया जाए। अच्छा, सितारा ने एक वीडियो बनाई थी, उसमें उसने झूठ बोली थी कि ससुराल वाले तारीफ करने का बोल रहे हैं, तो ससुराल वाले ने शादी करवाई है अपने इसके हस्बैंड की, और उन लोग इसको धमकियां दे रहे हैं कि वीडियो बनाओ और हमारी तारीफ करो। तो उसी के लिए ये खालिद अमीन लाइव में आया था, जो कि बोला जाता है ना कि उसने कुरान शरीफ उठाया था कि कौसर की शादी नहीं हुई है, कौसर की शादी हुई है, और ये सब लिए उसने कुरान शरीफ उठाया था। तो नहीं, उसने उसके लिए नहीं उठाया था, उसने इसलिए उठाया था कि पिटारा ने शादी करवाई है, ससुराल वालों ने नहीं, ठीक है। तो ये उस वीडियो का प्रूफ है, उस चीज़ का ये प्रूफ था। तो कुरान शरीफ को लेके जो झूठ बातें की जा रही थी ना कि वो कौसर के लिए या शादी के लिए उठाया था, तो नहीं, उसने इसलिए उठाया था कि पिटारा ने करवाई थी, ससुराल वालों ने नहीं। सबसे पहली बात ये जो बोल रही है वहाँ पे खालिद अमीन जो बता रहे हैं ना वहाँ पे, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिटारा ने एक वीडियो बना के बोली थी ससुराल वाले तारीफ करने के लिए बोल रहे हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोगों ने कुछ भी नहीं बोले थे, सिर्फ ये बोले थे कि तुमने खुश शादी करवाई है तो तुम हमें क्यों बदनाम कर रही हो, तो ऐसे ना करो, ये बोले थे। लेकिन इस झूठी ने आके झूठ वीडियो बनाई और बोली कि उन लोग तारीफ करने बोल रहे हैं। और ये औरत वो टाइम पे पहले तो खुश शादी करवाई, ठीक है, जा जा के रिश्तेदारों के पास में उनके मिन्नतें तरले कर करके कर करके शादी करवाई। सुने ना आप लोगों ने क्या बोला खालिद अमीन ने, कि ये फूफो के इधर गई, इधर गई, उधर गई, सबके मिन्नतें तरले की, शादी करवाई, उसके बाद में ससुराल वालों को जलील करवा रही थी, और इतना जलील करवाई कि खालिद अमीन को कुरान उठाना पड़ा। और जो आज हो रहा है ना पिटारा तेरे साथ, ये उसी का नतीजा है। जो सलमा मुद्दा लेके आई थी ना, वो तुझे फटकार पड़ी थी, तू इतनी गंदी घटिया और गलीच औरत है कि तूने इतने झूठ बोली थी कि बंदे को कुरान शरीफ उठाना पड़ा, और फिर तेरे साथ में मक्का फाते अमल हुआ, और देख ले आज तेरी हालत कि 2 लाख व्यूज़ भी नहीं आ रहे और उसमें से 1.5 लाख तू खरीद रही है, लानत तेरे ऊपर। अच्छा, खालिद आया था ना वही टाइम पे, साजिद आया था थोड़ा, मतलब 1 या 2 दिन पहले साजिद ने वीडियो बनाया था और बोला था कि शादी मैंने किया हूँ, मेरे से सवाल करो मैं जवाब दूंगा, ये वो पिटारा को बचा रहा था वो। अच्छा, वही टाइम पे पिटारा के हस्बैंड की सेकेंड मैरिज हुई थी, लव मैरिज हुई थी, और वही टाइम पे वो अपनी पहली बीवी को बचा रहा था। कितनी अच्छी ये सेकेंड मैरिज थी ना, कि बीवी से प्यार भी बढ़ा पहली बीवी से, और सेकेंड मैरिज भी कर लिया। तो देख लो कि फिर इन लोगों ने इसको इनवाइट किए थे मियाँ बीवी को कि आओ और बात करो, लेकिन दोनों मियाँ बीवी ना चुपके से सुन रहे थे, दोनों में से आया कोई नहीं। कैसे आते ना, क्योंकि झूठ जो बोले हुए थे, कुरान शरीफ उठाना पड़ता या बात को सच्चाई से पूछते लोग, और इनके पास में कोई जवाब नहीं था, इसके लिए ये दोनों नहीं आए।
बाकी घर का सच आप लोगों ने सुन लिया, कितने झूठे हैं लोग। अभी मैं आप लोगों को ना डेट के साथ में प्रूफ देती हूँ कि इसकी सेकंड मैरिज वाली वीडियो कितनी तारीख को आई है, फिर इसने ये जो खालिद अमीन ने लाइव किया ये कितनी तारीख को किया है, और खालिद अमीन उसमें क्या बता रहा है कि 4-5 महीने हो गए इनको घर लेके, करोड़ों का घर लेके 4-5 महीने हो गए। जिस मंथ में ये औरत ने अपने हस्बैंड की बारात दिखाई थी, हस्बैंड का रोना धोना दिखाई थी ना, वही मंथ में इसने घर खरीदी है, वही मंथ में। ऐसा नहीं है कि 2-3 मंथ रुक के, एक ही मंथ में ये औरत को इतनी फंडिंग हुई, इतनी फंडिंग हुई, और वही मंथ में इसका चैनल मिलियन पे गया था, मतलब वीडियो, और इसको अच्छी खासी पेमेंट आई थी कि इसने वही मंथ में करोड़ों का घर खरीदी थी। कितना बोला, 1 करोड़ 40 या 60 ऐसा कुछ बोला है, तो देख लो। और ये अभी तलक के रोती थी कि मेरे खुद का घर नहीं है, मेरा घर नहीं। और जिस टाइम पे खालिद ने आके लाइव में ये बता के गया था ना कि इसका खुद का घर है, 4-5 महीने हो गए घर लेके, वही मंथ में इसने आके फिर से झूठ बोली थी कि नहीं, झूठ बोल रहा है, हमारा खुद का घर नहीं है। और जब ये बात हीरा ने एक्सपोज की, हीरा ने पिटारा का घर दिखाई, तब जाके इसने आके बोली कि तू कौन होती है मेरा घर दिखाने वाली, मैंने किस्तों में घर लिया है। 2.5 साल के बाद में ये आके बोल रही है मैंने किस्तों में घर लिया है। याद है ना आप लोगों को पिटारा की वो वीडियो, वो लाइव जो इसने गांव में बैठ के हीरा के लिए की थी, वो लाइव याद है आप लोगों को? तो इसने झूठ बोली थी आके कि मैंने किस्तों में ली हूँ अभी अभी जाके वो घर। नहीं, इसने वही मंथ में, जिस मंथ में इसने साजन साजन वाली लाइव की थी और वीडियो डाली थी ना, वही मंथ में ये औरत ने घर ली थी, लेकिन झूठ आज तलक के उसका चल रहा था। जब हीरा ने इसके घर को एक्सपोज किया उसके बाद में ये मेरा घर नहीं है, मेरा खुद का घर नहीं है करके रोना इसने बंद की, और उसके बाद में तो ये धड़ाधड़ दिखाती गई कि हमने प्लॉट लिए, हमने ये लिए, हमने वो लिए। मतलब 2.5 साल में इसका घर नहीं बन पाया, 3 महीने में इसने प्लॉट भी ले ली, 2-2 गाड़ियाँ ले ली, फिर दूसरी जगह घर ले ली, खुद के घर में चली गई। मतलब कितनी झूठी और मक्कार औरत थी, आप लोग खुद देख लो। और क्या बताया था खालिद अमीन ने कि घर लिए और रेंट पे भी डाल दिए, लेते साथ में रेंट पे डाली थी। अब बताओ अगर के किस्तों में घर रहेगा तो लेके रेंट पे डाल सकते हैं? जब किस्तें पूरी होगी तब घर देगा ना सामने वाला, कि दे देगा? नहीं भाई, तुम तो पिटारा हो हैं, तुम्हारे हस्बैंड ने तो दूसरी शादी करके बड़ा जुल्म किया है, तो तुम करोड़ों का घर है वहीं ले लो। झूठी कहीं की मक्कार औरत। और दूसरी बार वहाँ पे ये भी देखो कि घोंचू ने क्या बोला है अपने मायके वालों को, क्या बोला था कि आके सच मत बताओ, हमारे चैनल का सवाल है, हमारा चैनल बंद हो जाएगा, अगर के सच सामने आएगा तो हमारा चैनल चैनल को नुकसान होगा। यही सेम डायलॉग इन लोगों ने जाके सलमा को भी बोले थे, असगर को भी बोले थे कि सच मत लेकर आओ, हमारे चैनल को नुकसान होगा, अगर के पिटारा सामने आके माफ़ी मांगेंगी तो हमारे चैनल को नुकसान होगा। वो घर वाला, वो सेकेंड मैरिज वाला ड्रामा जो ससुराल वालों पे पिटारा डाल रही थी, वो भी सच्चा था कि पिटारा ने करवाई थी, इसके लिए वो जाके मिन्नतें कर रही थी कि वाईटी पे मत लेकर आओ सच्चाई कि मैंने खुद ने शादी करवाई हूँ वरना मेरे चैनल को नुकसान होगा। और यहाँ पे भी लोगों का यही डायलॉग था कि पिटारा से वाईटी पे माफ़ी मत मंगवाओ वरना चैनल को नुकसान होगा। मीन्स के सलमा भी सच्ची थी ना, वरना क्यों इन लोगों ने ये बोले थे कि चैनल को नुकसान होगा? जो सच्चाई रहती है, जो पिटारा गुनाह की होती है ना, वो आके वो वाईटी पे माफ़ी नहीं मांगती है, कबूल नहीं करती है। एक ही डायलॉग होता है, चैनल को नुकसान होगा, और चैनल के लिए कितना मरे जा रही है पिटारा, तेरे घर में सालन बनता है चैनल से, और वो पता चलता है किस तरह से तू लोगों का मुंह बंद करवाती है, चुप करवाती है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट देखो, 2021 में 5 अक्टूबर को इसने सेकेंड लव मैरिज का ड्रामा करके बारात दिखा के रोना धोना की थी, ठीक हो गया। अब ये तारीख आप लोग याद रखो, और दूसरा ये 5 अक्टूबर को रोना धोना की थी, 27 अक्टूबर को इसने बोली थी मेरी यूट्यूब पेमेंट आ गई और रोना धोना कर रही थी उसके अंदर। कितने दिन का गैप हुआ, 5 और 27, वही मंथ में इसको यूट्यूब की पेमेंट आई थी, और इसने बताई थी कि पेमेंट आ गई है। और आप लोगों को पता ही है 21 से 25 के बीच में पेमेंट आती है, और इसने 27 को बताई थी कि मेरी पेमेंट आ गई। अब ये वाला देखो, खालिद अमीन ने 2022 में
21 अप्रैल को आके बताया था कि इन लोगों का घर लेके भी 5-6 महीना हो गया है। अब आप लोग खुद हिसाब लगा दो कि एक ही महीने में इसने बारात वाली वीडियो में रोना धोना की, वही महीने में इसकी पेमेंट आई और बराबर 5वें महीने में खालिद आमीन ने आके बताया कि इन लोग घर ले चुके हैं और इन लोगों को घर लेके भी 5-6 महीना हो चुका है। मीन्स के जिस महीने में इसको मिलियन में व्यूज़ आए उसी महीने में इसने घर ले ली थी करोड़ों का, तो सोचो पेमेंट कितनी आई होंगी और लोगों ने फंडिंग कितनी की होंगी। और ये फिर भी रोती थी कि बच्चों के फटेले कपड़े दिखा के और मतलब ये सब दिखा के कि हमने कभी बर्थडे नहीं मनाए, हमने कभी ईद नहीं मनाए, और साइकिलें मंगती थी कि बच्चे को बर्थडे पे साइकिल चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये कितनी मक्कारी कर रही थी, शुरू दिन से मक्कारियाँ कर रही थी, आप लोग खुद देख लो। बाकी इसके और भी 2-3 पार्ट है, वो भी मैं डालूँगी। मैंने सोची क्यों ना जो लोगों के दिमागों में गलत फहमी है, जो आजकल नए लोग इस केस में जुड़े हैं और पुरानी बातों को ट्विस्ट कर कर के बता रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों को लेकर आना चाहिए फिर से और लोगों की याददाश्त को फिर से ताज़ा करना चाहिए कि कितनी बड़ी फ्रॉड और झूठी औरत है ये। तो ये वाला वीडियो तो अभी करती हूँ यहीं पे एंड, आगे भी आप लोगों को इसके पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।